स्कंद पुराण के नागर खंड में विश्वामित्र का मेनका से वार्तालाप, सती स्त्रियों के पालन करने योग्य धर्म का वर्णन, विश्वामित्र का वैराग्य, दोनों का परस्पर शाप और तीर्थ जल में स्नान से उद्धार। सूजी कहते हैं, विप्रवर उस क्षेत्र में एक दूसरा कुंड भी है जो विश्वामित्र ऋषि के द्वारा प्रकट किया गया है। वह समस्त कामनाओं को देने वाला है। ऋषियों ने पूछा, सूतनंदन, विश्वामित्र मुनि का वह निर्मल तीर्थ किस समय वहां प्रतिष्ठित हुआ है? तो सूजी बोले, द्विजवरो, वहां पहले से ही एक साधारण झरना था जो पृथ्वी पर महात्म्य से युक्त होकर बहता था। फिर उसी में देव नदी गंगा वहां स्वयं आकर स्थित हुई, जिसमें स्नान करने वाला पुरुष तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य वहां पितरों के उद्देश्य से श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करता है, उसका वह श्राद्ध पितरों को अक्षय तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। उस उत्तम तीर्थ में जो कुछ दान, होम और जप आदि सत्कर्म किए जाते हैं, उसका अनंत फल होता है। एक समय की बात है, व्याध के बाण से घायल हुई एक मृगी उस देव नदी के जल में घुसी और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। उस पुण्य जल के प्रभाव से वहीं मृगी स्वर्ग लोक में मेनका नामक अप्सरा हुई। वे अप्सरा उसी तीर्थ के प्रभाव का स्मरण करते ही चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को रविवार और भरणी नक्षत्र का योग होने पर सदा वहां आकर स्नान किया करती थी। किसी समय वैसा ही योग आने पर मनीषर विश्वामित्र भी कहीं से घूमते हुए उस तीर्थ में आ गए। इधर मेनका भी देव दर्शन के लिए स्वर्ग लोक से आई और भगवान जी की पूजा करके स्वर्ग में जाने लगी। तब तक उनकी दृष्टि वहां इधर उधर घूमते हुए मुनिवर विश्वामित्र पर पड़ी। उन्हें देखते ही मेनका काम के अधीन हो गई और शीघ्रतापूर्वक उनके समीप गई। उस अदृष्ट पूर्व सुंदरी को देखकर मुनि ने पूछा, कल्याणी, तुम्हारा शुभ हो। मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान विष्णु के चरणों में तुम्हारी अविचल भक्ति हो। बाले, क्या तुम सदाचार विनय से युक्त होकर सदा प्रिय वचन बोलती हुई अपने पति के चिन्नार चिन्हों की सेवा में संलग्न रहती हो? क्या तुम्हें सदा अपने पति की प्रीतमा होने का सौभाग्य प्राप्त है? क्या पति के सामने अथवा परोक्ष में भी तुम दान आदि से अपने बंधु बांधुओं तथा सुहृदों का सत्कार करती हो? क्या तुम पति के सो जाने पर सोती हो और उसके जागने से पहले ही उठ जाती हो? क्या प्रातःकाल उठकर तुम प्रतिदिन अपने घर में स्वयं ही झाड़ू लगाती हो? क्या देवताओं को नमस्कार करके घर के गुरुजनों के प्रति तुम्हारा प्रणाम करती हो और उन सब को अपनी शक्ति के अनुसार अन्न और जल देकर स्वयं सबसे पीछे भोजन करती हो? क्या जल जंतुओं की रक्षा करती हुई अपने सघन वस्त्र से पानी को 7 बार छान कर पीती हो? कभी सूर्यास्त के समय तो तुम भोजन नहीं करती, अपने सेवकों, कुटुंबीजनों तथा विशेषतः साधु संतों को दिए बिना तो भोजन नहीं करती? क्या तुम दया भाव से युक्त होकर शरीर को क्लेश देने वाली जूं, खटमल और मच्छर आदि का भी पुत्र की भांति पालन करती हो? क्या साधु पुरुषों के मुख से प्रतिदिन भक्तिपूर्वक कल्याण में धर्म का उपदेश सुनती हो और सुनकर आदर के साथ उनका पालन भी करती हो? क्या पवित्र शास्त्र कथा सुनकर तुम शास्त्र का, वाचक का तथा उसकी विशेष व्याख्या करने वाले विद्वान का भी पूजन करती हो? क्या तुम मुनीश्वरों द्वारा प्रतिपादित पुराण और शास्त्र ग्रंथों को अच्छे पत्र पर सुंदर अक्षरों में लिखकर उन्हें साधु पुरुषों को अर्पण करती हो? क्या प्रतिदिन शिव मंदिर में अपनी शक्ति के अनुसार तुम संगीत, वाद्य आदि की व्यवस्था करती और भेंट, पूजा, उपहार चढ़ाती हो? क्या तुम साधु पुरुषों को उनका पूरा शरीर ढकने के लिए उपयुक्त वस्त्र अर्पण करती हो? तुम दूसरों के घर में विशेषतः रात के समय व्यर्थ घूमने के लिए तो नहीं जाती? कहीं पति के भूखे होते हुए भी तुम स्वयं तो भोजन नहीं कर लेती? क्या तुम प्रयत्न पूर्वक पति की आज्ञा का उल्लंघन करने के दोष से अपने को बचाती हो?
कभी पति के कुपित होने पर तुम उनकी बातों का उत्तर तो नहीं देती? उनके क्रोध रूपी पाप का निवारण करने के लिए उनसे मीठे और प्रिय वचन तो बोलती हो ना? तुम पति के परदेश जाने पर मैले वस्त्र धारण करती और दीन दुर्बल और मलान वदन रहती हो ना? कभी मंदिर के पृष्ठभाग में तुम जूठा और फूटा बर्तन तो नहीं रखती? रात्रि में जागरण काल में तुम कथा के स्थान, झरना, एकांत प्रदेश, नदी तट और वन में कभी अकेली तो नहीं जाती? शुभे, तुम उल्टा स्त्रियों से तथा दाइयों, मालिनों और धोबिनों से तो कभी मैत्री नहीं रखती? अपने मुखमंडल में तुम कुमकुम की बिंदी तो लगाती हो ना? मेनका कहने लगी, मुनि, आपने जिनके धर्म का वर्णन किया है वे दूसरी स्त्रियां हैं। हम तो स्वेच्छाचार विहार करने वाली देवलोक की अप्सराएं हैं। महाभाग, आप किस देश से आए हैं? आपके दर्शन से मेरा मन विचलित हो रहा है। मुझ अनुरागिनी को आप स्वीकार कीजिए, अन्यथा मेरे प्राण नहीं रहेंगे। यदि ऐसा हुआ तो आपको स्त्री वध का पाप लगेगा। विश्वामित्र ने कहा, भद्रे, हम तो शिव शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार चलने वाले ब्रह्मचारी हैं। समस्त व्रतधारियों और विशेषता शिव भक्तों का मूल धर्म है ब्रह्मचारी व्रत का पालन। अतः हम जैसे लोगों से तुम फिर कभी ऐसी बात नहीं कहना। व्रतधारी और शिव भक्त पुरुष 100 वर्षों से अधिक काल तक जो तपस्या करता है वह एक बार के स्त्री प्रसंग से नष्ट हो जाती। जो पापात्मा स्त्री को स्वीकार करता है उसका शिव उपासना संबंधी व्रत व्यर्थ हो जाता है। भगवान शिव के भक्तों को स्त्रियों के साथ बातचीत करने से भी पाप लगता है, इसलिए तुम शीघ्र इस स्थान से चली जाओ। तुम जीवित रहो या मर जाओ, परंतु मैं तुम्हारी इस बात को नहीं मानूंगा। व्रती पुरुषों को स्त्री वध की अपेक्षा स्त्री संगम से ही अधिक पाप लगता है। स्त्री वध करने पर तो व्रती पुरुषों के लिए विद्वानों ने प्रायश्चित बतलाया है, परंतु उनके संगम से जो दोष होता है उसका कोई प्रायश्चित नहीं कहा गया है। इसलिए तुमको यहां से चले जाना चाहिए। केवल व्रती पुरुषों को ही स्त्री संगम से पाप लगता है, ऐसी बात नहीं है। जो व्रत से बाह्य हैं ऐसे मनुष्य भी स्त्रियों में आसक्त होने पर नीचे गिर जाते हैं। अतः समागम की बात तो दूर रही। जो बुद्धिमान अपना कल्याण चाहे वह स्त्रियों के साथ वार्तालाप भी नहीं करे। सूर्य कहते हैं, विश्वामित्र की यह बात सुनकर क्रोध में भरी हुई मेनका ने उन्हें शाप दिया। और दुर्मते, मैं तुम्हारे प्रति अनुरक्त थी, फिर भी तुमने मेरा त्याग किया है, इसलिए आज ही तुम वृद्धावस्था से जर्जर शरीर वाले हो जाओ। तुम्हारे बाल सफेद हो जाएं, शीर में झुर्रियां पड़ जाएं। उनके ऐसा कहने पर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र उसी क्षण वैसे ही हो गए। तब वे भी कमंडल से जल लेकर उसे शाप देने को उद्यत हुए और इस प्रकार बोले, ओ नीच, तुमने निर्दोष होने पर भी मुझे शाप दिया है, इसलिए तुम भी शीघ्र जरावस्था से जर्जर अंग वाली हो जाओ। ऋषि के वचन से वह भी तत्काल वैसी ही हो गई। उस वृद्ध शरीर से मेनका ने पुनः जाकर वहां के जलाशय में स्नान किया। स्नान करते हुए पुनः पूर्वत रूप लावण्य से संपन्न हो गई। ये महान आश्चर्य की बात देखकर ऋषि विश्वामित्र ने भी तुरंत जाकर वहां स्नान किया और वे भी पूर्ववत हो गए। उस तीर्थ के माध्यम से मेनका और विश्वामित्र दोनों रूप तथा उदारता आदि गुणों से संपन्न हो गए और प्रसन्नता पूर्वक एक दूसरे से विदा होकर अपने अभिष्ट स्थान को चले गए। उस तीर्थ का ऐसा महात्म्य जानकर महर्षि विश्वामित्र ने महादेवादिदेव महादेव जी का लिंग स्थापित किया और उस उत्तम तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या की।
उन्होंने उस सरोवर को और विस्तृत किया। वहां स्नान करके जो पुरुष उस उत्तम विश्वामित्रेश्वर लिंग का पूजन करता है वे भगवान शिव के लोक में जाता है। आज भी उस तीर्थ में गंगा जल के समान पितृ जल दिखाई देता है जो सब पापों को हर लेने वाला है। जो श्रद्धा युक्त पितृ हृदय से वहां स्नान करता है वह सर्वदेव पूजित विष्णु लोक को जाता है। स्कंद पुराण के नागर खंड में सरस्वती तीर्थ की महिमा, राजा अंबुविची की मुक्ता का निवारण तथा राजा के द्वारा सरस्वती देवी का स्तमन। सोजी कहते हैं महर्षियों, हाटकेश्वर क्षेत्र में एक दूसरा परम सुंदर सारस्वत तीर्थ है। वहां स्नान करने वाला गूंगा मनुष्य भी बोलने में पटु हो जाता है तथा ये ब्रह्मलोक तक के सभी लोकों में अपनी रुचि के अनुसार जाता है। प्राचीन काल में बलवर्धन नाम से विख्यात एक राजा थे जो समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी को अपनी भुजाओं के बल से जीतकर उसका उपभोग करते थे। उनके एक सर्वलक्षण संपन्न पुत्र हुआ। पिता ने 12वें दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर उसका नाम अंबुविची रखा। तंत्र राजा का लाड प्यार पाकर वह बालक प्रतिदिन बढ़ने लगा, परंतु जन्म से ही मूक होने के कारण वह कुछ बोल नहीं सकता था। तत्पश्चात उस बालक का 7वां वर्ष आने पर राजा बलवर्धन मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब मंत्रियों ने राजा के उस पुत्र को राज्य सिंहासन पर बिठाया क्योंकि उनके कोई दूसरा पुत्र नहीं था। इस प्रकार राज्य सिंहासन पर बैठे हुए बाल्यावस्था से युक्त उस गूंगे राजा के राज्य में सब और विपल्लव होने लगा। जल जंतुओं की भांति बलवान लोग सर्वत्र दुर्बलों को सताने लगे। तब मंत्रियों ने अपने पुरोहित विशिष्ट जी से कहा, महामुनि, इस राजा के बोलने के लिए कोई उपाय कीजिए, इसकी जड़ता से ही सारी पृथ्वी उजड़ती जा रही है, अतः कोई उचित उपाय कीजिए। तब धीर काल तक विचार करके विशिष्ट जी ने मंत्रियों से कहा, हाटकेश्वर क्षेत्र में सब कामनाओं को देने वाला सारस्वत नामक तीर्थ है, वही ये राजा स्नान करे, वहीं ये राजा स्नान करे। महर्षि विशिष्ट के कहने से राजा ने अंबुविची ने तत्काल जाकर उस तीर्थ में स्नान किया और उस क्षण वे मधुर स्वर से बोलने वाले वक्ता हो गए। राजा ने सरस्वती देवी का ऐसा प्रभाव जानकर बड़ी श्रद्धा के साथ उनका चिंतन किया और नदी तट से मिट्टी लेकर स्वयं ही सरस्वती देवी की चतुर्भुजा मूर्ति का निर्माण किया। वे दाहिने हाथ में मनोहर कमल और नक्षत्रों के तेज को तिष्कित करने वाली अक्षमाला लिए हुए थी तथा बाएं हाथ में उन्होंने दिव्य जल से भरा हुआ कमंडल और विद्याओं की उत्पत्ति की स्थान भूत पुस्तक ले रखी थी। ऐसी मूर्ति का निर्माण करके राजा ने यतन पूर्वक उसे शिला पृष्ठ पर स्थापित किया और धूप माला तथा चंदन से भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। तत्पश्चात श्रद्धा भाव से पवित्र हृदय के द्वारा उनके आगे शुद्ध एवं विनीत होकर नरेश ने उच्च स्वर से देवी की स्तुति की। देवी सत असत कारण और कार्य रूप तथा बंध मोक्ष स्वरूप जो कोई भी वस्तु है वह सब गुप्त रूप से स्थित रहने वाली तुम्हारे द्वारा व्याप्त है। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि के द्वारा ईंधन व्याप्त होता है, तुम्हें सिद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में निवास करती हो। देवेश्वरी, तुम्हें जीहा पर वाणी रूप से और नेत्र में ज्योति स्वरूप से विराजमान हो। तीनों लोकों में एकमात्र तुम्हें भक्ति भाव से ग्रहण करने योग्य हो। शरण में आए हुए दीनों और पीड़ितों की रक्षा में तुम सदा तत्पर रहती हो। तुम्हें कीर्ति, तुम्हें धृति, तुम्हें मेधा, तुम्हें भक्ति, तुम्हें प्रभा कही गई हो। समस्त प्राणियों में निवास करने वाली कांति, सुधा और निद्रा भी तुम्हें हो। तुष्टि, पुष्टि, श्री, प्रीति, श्रद्धा, स्वाहा, रात्रि, रति, पृथ्वी, गंगा, सत्य, धर्म, मनस्विनी, लज्जा, शांति, स्मृति, दक्षा, क्षमा, गोरी, रोहिणी, सिनी वाली, जिसमें चंद्रमा का दर्शन हो ऐसी अमावस्या, कुहु, जिसमें चंद्रमा का दर्शन ना हो ऐसी अमावस्या, राका, पूर्णिमा, देव माता अदिति, ब्राह्मणी,
विंता, लक्ष्मी, कद्रु, दक्षायनी, सती, शिवा, गायत्री, सावित्री, कृषि, वृष्टि, श्रुति, कला, वेला, नाड़ी, त्रुटि, काष्ठा, रसना और सृष्टि, सब कुछ तुम ही हो। इसके सिवा तीनों लोकों में और भी जो कुछ है, जो अधिक होने के कारण मेरे द्वारा नहीं कहा गया है, वह सब चेष्टा युक्त और चेष्टा रहित वस्तुएं तुम्हारा ही स्वरूप हैं। गंधर्व, किन्नर, देवता, सिद्ध, विद्याधर, नाग, यक्ष, गोहक, भूत, दैत्य तथा विनायकगण आदि सब तुम्हारे ही प्रसाद से परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। अन्य देवता कष्टपूर्वक आराधना और पूजा करने पर ही मनुष्य के पाप भरते हैं, परंतु तुम केवल नाम लेने से ही सबका उद्धार करती हो। राजा अंबुविची के द्वारा इस प्रकार स्तुति की जाने पर देवीश्री सरस्वती देवी ने अत्यंत हर्षित होकर कहा, भोपाल, मैं तुम्हारी सुस्थिर भक्ति और इस स्तुति से बहुत संतुष्ट हूँ, अतः तुम शीघ्र मनवांछित वर मांगो। राजा ने कहा, देवी, आज से मेरी प्रार्थना स्वीकार करके आप सदा इस तीर्थ में निवास करें और आपकी यह पूजनीय प्रतिमा त्रिभुवन विख्यात होकर इस तीर्थ में मेरी सुस्थिर कीर्ति के रूप में विद्यमान रहे। जो यहाँ स्थित रहने वाली आपकी आराधना जिस निमित्त से भी करे, उसकी भक्ति के अनुसार उस कामना को आप शीघ्र पूर्ण करती रहें। सस्ती बोली, राजन, जो इस शुभ शरीर में स्नान करके अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को यहाँ मेरी पूजा करेगा, उसकी मनवांछित कामनाओं को मैं पूर्ण करूँगी। सो जी कहते हैं, इस प्रकार परमेश्वरी सरस्वती देवी सब लोगों के हित के लिए तभी से वहाँ निवास करने लगी। जो मनुष्य अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करके श्वेत पुष्प और चंदन आदि के द्वारा वहाँ उनका पूजन करता है, वह जन्म जन्म में उत्तम वक्ता और धारणा शक्ति से संपन्न होता है। सरस्वती के प्रसाद से उसके वंश में भी कोई मूर्ख नहीं पैदा होता। जो सरस्वती देवी के आगे धर्म कथा श्रवण करता है, वह उसके प्रभाव से तीन युगों तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। जो सरस्वती देवी के मंदिर में सदा श्रद्धापूर्वक विद्यादान करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। जो वहाँ श्रेष्ठ ब्राह्मण को धर्मशास्त्र की पुस्तक दान करता है, वह भी अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। जो सरस्वती देवी के आगे खड़ा होकर वेद पाठ करता है, वह संपूर्ण अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। स्कंद पुराण के नागर खंड में ही महाकाल के समीप जागरण की महिमा, राजा रुद्रसेन का पूर्व वृतांत। सूर्य कहते हैं, पूर्व काल में इक्ष्वाकु कुल को आनंदित करने वाले रुद्रसेन नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। सब गुणों से संपन्न कांतिपुरी उनकी राजधानी थी और उनकी परम प्रिय धर्मपत्नी का नाम पद्मावती था। राजा रुद्रसेन वैशाख मास की पूर्णिमा को सदैव रानी पद्मावती के साथ थोड़ी सी सेना लेकर चमत्कारपुर के क्षेत्र में भगवान महाकाल का दर्शन करने के लिए जाते और भगवान महादेव के आगे स्त्री सहित श्रद्धापूर्वक बैठकर रात्रि में जागरण करते थे। उपवास करके महादेव जी का चिंतन करते हुए रात बिताते थे। फिर प्रातःकाल उठकर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर पवित्र होकर ब्राह्मणों एवं तपस्वी जनों को दान देते थे। साथ ही अन्य सहस्त्रों दीनों, अंधों और कंगलों को अन्न वस्त्र बांटते थे। इस प्रकार प्रति वर्ष वे वैशाख पूर्णिमा को वहां की यात्रा करते और महाकाल देव के सामने रात भर जागते थे। इससे उनका सदा अभ्युदय होने लगा और शत्रु अपने आप नष्ट होने लगे। एक समय उसी अवसर पर जब राजा हाटकेश्वर क्षेत्र में आए, तब उन्होंने देखा महाकाल देव के समक्ष अनेकानेक देशों और दिशाओं से श्रेष्ठ ब्राह्मण वहां आए हुए हैं। वे सब वेद पाठ में तत्पर हैं और परस्पर देवों, ऋषि मुनियों एवं प्राचीन राज ऋषियों की कथा वार्ता कह रहे हैं। राजा ने क्रमशः उन सबको प्रणाम किया और स्वयं भी उनसे अभिनंदित होकर एक और बैठ के कथा समाप्त होने पर मुनीश्वर ने पूछा, राजन, तुम प्रतिवर्ष वैशाख की पूर्णिमा को दूर देश से यहाँ आकर केवल रात में महादेव जी के सामने जागरण करते हो। तीर्थों में जो स्नान, दान आदि अन्य क्रियाएं बताई गई हैं,
उन सब कुछ छोड़कर पहले तुम इस जागरण कार्य की ओर ध्यान देते हो, अतः इसका फल क्या है सो हम लोगों से बताओ। राजा ने कहा, विप्रवरो, आप लोगों ने जो कुछ पूछा है वह यद्यपि गोपनीय रहस्य की बात है, तथापि मैं आपसे कहूँगा। प्राचीन काल की बात है, मैं वैदिश नगर के वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ था। मेरे पास धन का सर्था अभाव था, मेरे भाई बंधु पग पग पर मेरा निरादर करते थे और अंत में उन्होंने मुझे त्याग दिया। तब मैं अपनी पत्नी को साथ लेकर प्रदेश को चल दिया। स्वराष्ट्र देश को धन धान्य से संपन्न सुनकर मन में उसी का चिंतन करते हुए चला और मार्ग में भिक्षा का अन्न भोजन करता हुआ मैं क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते अनार्थ देश में चमत्कारपुर के समीप जा पहुँचा। वहाँ मैंने स्वच्छ जल से भरा हुआ एक सरोवर देखा जो कमलवन से शोभित था। भूख प्यास और थकावट से बहुत कष्ट तो पा ही रहा था। वहां पहुंचकर मैंने उस सरोवर के शीतल जल से स्नान किया। तत्पश्चात मेरी स्त्री ने मुझसे कहा, नाथ, इस जलाशय से कुछ कमल संग्रह कर लीजिए जिससे आज का भोजन चले। ये पास ही इंद्रपुरी के समान मनोहर नगर दिखाई देता है, वहां चलकर इन कमलों को बेच लेना चाहिए। तब मैंने बेचने के लिए बहुत से कमल संग्रह किए और चमत्कार कुर में आकर सब और भ्रमण किया, किंतु कोई भी मनुष्य उन कमलों को खरीदता नहीं था। भूख के मारे मैं दुर्बल हो रहा था, मेरा गला सूख गया था। उस समय सूर्य अस्त हो गया। तब मैं वैराग्य भाव को प्राप्त होकर स्त्री के साथ एक टूटे फूटे मंदिर में गया और उन कमलों को पृथ्वी पर रखकर लेट गया। तंत्र आधी रात बीतने पर मैंने गाने की ध्वनि सुनी। तब मेरे चित्त में विचार हुआ कि निस्संदेह आज वहां जागरण का पर्व है, अतः चलूं। यदि कोई मेरे इन कमलों को मूल्य देकर ले लेगा तो भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। ऐसा निश्चय करके कमल लेकर मैं अपनी पत्नी के साथ जहां से गीत की ध्वनि आ रही थी उसी ओर चल दिया। वहां जाने पर मैंने देवताओं के स्वामी भगवान महाकाल को श्रेष्ठ द्विजों द्वारा पूजित होते हुए देखा। वे द्विज भगवान के आगे बैठकर जप और गीत में लगे थे। कोई नृत्य करते, कोई गीत गाते, कोई होम करते और कोई धार्मिक उपाख्यान कहते थे। तब मैंने एक व्यक्ति से पूछा, यहाँ क्यों जागरण किया जाता है? उसने बताया कि आज भगवान महाकाल की प्रसन्नता के लिए उपवास प्रायण ब्राह्मणों द्वारा भक्ति भाव से जागरण किया जाता है। आज वैशाख मास के पुण्यमय तिथि पूर्णिमा है। इसमें जो मनुष्य भगवान महाकाल के आगे भक्ति पूर्वक जागरण करता है वह निश्चय ही स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। तब मैंने कहा, भद्र पुरुष, मेरे पास कमल के फूल हैं, इनको ले लीजिए और बदले में मूल्य दीजिए जिससे मेरा भोजन चले। तब उसने तीन पल स्वर्ण देना चाहा। ये देखकर मैंने सोचा, स्वयं ही क्यों ना इन कमलों से देवेश्वर महादेव की पूजा करूं। जान पड़ता है पूर्व जन्म में मेरे शीत से कोई भी पुण्य नहीं हुआ था, इसलिए इस जन्म में मुझे ऐसी दुर्गति भोगनी पड़ती है। किंतु क्या करूं, मेरी प्रिय वादिनी पत्नी का गला भूख के मारे सूखा जा रहा है। इसमें संदेह नहीं कि यदि अन्न उपलब्ध नहीं हुआ तो ये कल जीवित नहीं रह सकेगी। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए मुझसे मेरी विनयशीला पत्नी ने मधुर वाणी ने कहा, नाथ, धन के लोभ से इन कमलों का विक्रय मत कीजिए। आज अपने पास अन्न ना होने से स्वतः उपवास व्रत का योग लग गया है। भोग के कष्ट से हम अब तक तो जागते ही रहे हैं, शेष रात्रि में और भी जागरण कर लेंगे। हमने सरोवर में दिन के समय स्नान करके देव पूजन भी किया था, इस समय भी इन कमलों से हम भगवान महाकाल का पूजन करें, इससे हम दोनों का परम कल्याण होगा। पत्नी के ऐसा कहने पर हम दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कमल पुष्पों से महादेव जी का पूजन किया। भोग की पीड़ा से नींद तो हमारे पास आई नहीं। प्रातःकाल जब सूर्योदय हुआ उसमें भूख से पीड़ित होकर उसी स्थान पर मेरी मृत्यु हो गई।
तब मेरी पत्नी ने मेरे शरीर को लेकर बड़े हर्ष के साथ चिता की अग्नि में प्रवेश किया। उसी पुण्य के प्रभाव से मैं कांतिपुर का राजा हुआ और मेरी पत्नी दशार्ण देश के राजा की पुत्री हुई, जिसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। दशार्ण राज ने इसका संबर चाया और उसमें इसने मुझे पहचानकर मुझको ही वरण किया और मैंने भी इसे अपने पूर्व जन्म की पत्नी समझकर अपनाया। इसी कारण से मैं प्रतिवर्ष वैशाख मास की पूर्णिमा को यहाँ आकर अपनी धर्म पत्नी के साथ महाकाल देव के सामने जागरण और पुष्प धूप तथा चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन करता हूँ। ब्राह्मणों, उस समय तो मैंने बिना श्रद्धा के ही जागरण किया था, तथापि महादेव जी की कृपा से मुझे ऐसा फल प्राप्त हुआ। अब मैं जो श्रद्धापूर्वक शास्त्रोक्त विधि से जागरण कर रहा हूँ, उनका उनका फल भगवान मुझे कितना उत्तम देंगे वह मैं नहीं जानता। ये सुनकर वहाँ आए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने राजा को अनेक बार साधुवाद दिया और इस प्रकार कहा, भोपाल, आपने ठीक कहा है। भगवान महाकाल के प्रसाद से इस भूतल पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है, इसलिए हम लोग भी पतिव्रत श्रद्धा से यहाँ रात्रि जागरण करेंगे। तदंतर राजा और उन ब्राह्मणों ने बड़े हर्ष के साथ गीत वाद्य नृत्य धर्म कथा आदि कार्य को करते हुए महाकाल जी के समीप रात भर जागरण किया। प्रातःकाल उठकर राजा ने महाकाल का पूजन किया और उन सब ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर सेना सहित अपनी पुरी को प्रस्थान किया। तत्पश्चात समय के अनुसार शीत का अंत होने पर उन्होंने जरार मृत्यु से रहित परम पद को प्राप्त कर लिया। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, इस प्रकार मैंने आप लोगों के सामने भगवान महाकाल के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। स्कंद पुराण के नागर खंड में कलेश्वर का महात्म्य नंदिनी धेनु के द्वारा व्याघ्र योनि को प्राप्त हुए राजा कलश का शाप से उद्धार। सूजी कहते हैं, महर्षियों, उसी क्षेत्र में एक महापुण्यदायक कुंड है जिसके तट पर कलेश्वर देव का निवास है। उनका दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन काल में कलश नाम से प्रसिद्ध एक यदुवंशी राजा थे। वे विधिपूर्वक यज्ञ करने वाले और सब लोगों के हित में तत्पर थे। एक समय महर्षि दुर्वासा के शाप से उन्हें व्याघ्र होना पड़ा था। व्याघ्र रूप में वन में रहते हुए वे बहुत से ब्राह्मणों को मारकर खा जाते थे। इस प्रकार उनका बहुत समय व्यतीत हो गया। कुछ काल के पश्चात उस देश में गऊओं का एक मनोरम झुंड आ निकला, जिसके साथ बहुत से गोप गोपी थे। उस झुंड में एक नंदिनी नामक धेनु थी, जिसके थन बहुत मोटे थे और जो घड़ों दूध देती थी। वह धेनु घास के लोभ से आगे बढ़ती हुई एक कुंज के भीतर चली गई, तो वहां उसने भगवान शंकर का लिंग में स्वरूप देखा, जो 12 सूर्यों के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। गौ ने बड़ी श्रद्धा के साथ वहां खड़ी होकर उस शिवलिंग को स्नान कराने के लिए उस पर बहुत दूध की धारा बहाई। उसका यह नियम प्रतिदिन चालू रहा, किंतु इस बात को कोई नहीं जानता था। एक दिन उस स्थान पर तीखी दाढ़ वाला एक व्याघ्र आ गया और देवयोग से नंदिनी गाय पर उसकी दृष्टि पड़ गई। तब गौओं के समुदाय में बंधे हुए अपने छोटे बछड़े की याद करके वह गाय करुण स्वर में विलाप करने लगी। फिर उसने मन ही मन कहा, जिस सत्य एवं शिव भक्ति से प्रेरित होकर मैं भगवान शिव को स्नान कराने के लिए यहाँ आई हूँ, उसी के प्रभाव से मुझे अपने बछड़े से मिलने का अवसर प्राप्त हो। इस प्रकार नंदिनी जब करुण विलाप कर रही थी, उस समय व्याघ्र ने हंसकर कहा, अरे अब तो तू पूर्णता मेरे वश में है, क्यों व्यर्थ प्रलाप करती है।
तो धेनु बोली, मैं अपने लिए विलाप नहीं करती। भगवान शिव की पूजा के लिए आने पर यदि मेरी मृत्यु भी हो गई तो ये मेरे लिए शुभदायक ही होगी, किंतु मेरा बछड़ा जो गांवों के झुंड में बंधा हुआ है मेरे लौटने की राह देखता होगा, वह अभी दूध पीकर ही जीता है। सोचती हूँ वह मेरे बिना कैसे जीवित रहेगा। महाव्याघ्र बेटे के लिए मेरे हृदय में स्नेह उमड़ आया है, अतः आज तुम मुझे छोड़ दो, मैं उसे अपनी सखियों को सौंपकर फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। व्याघ्र बोला, तुम मृत्यु के मुख में आ गई हो, अब यदि किसी प्रकार निकल जाओगी तो फिर उसी मृत्यु के समीप कैसे लौट आओगी। नंदिनी ने कहा, व्याघ्र मैं शपथ का के कहती हूँ कि तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण की हत्या करने और माता पिता को छलने से जो पाप होता है उसी पाप से मैं लिप्त हूँ यदि पुनः लौट कर ना आऊं। अपवित्र स्त्री से संपर्क करने वाले तथा नंगे सोने वाले पुरुषों को जो पाप लगता है मैं उसी पाप से लिप्त हूँ यदि मैं लौट के नहीं आऊं। गौ कन्या और ब्राह्मणों को कलंकित करने वाले लोगों को जो पाप लगता है उस पाप से मैं भी लिप्त हूँ यदि पुनः लौट के नहीं आऊं। इन शब्दों को सुनकर व्याघ्र ने कहा, यदि ऐसी बात है तो घर को जाओ और अपने पुत्र को जी भर के देख लो, फिर उसे सखियों को सौंपकर लौट आना। तदंतर नंदिनी जहां उसका बछड़ा था उस स्थान पर गई। माता को रंभाती हुई देखकर बछड़ा बोला, माँ आज तुम्हारा मन उद्विग्न क्यों हो रहा है। तो नंदिनी कहने लगी, बेटा पहले दूध पी लो, जिससे तृप्त होने पर मैं तुमसे सब बात बताऊं। उसकी बात सुनकर बछड़े ने यथोचित दूध पी लिया। तत्पश्चात बछड़े ने इस प्रकार कहा, माँ आज जंगल में जो कुछ घटना हुई है वे सब बताओ, जिसे सुनकर मेरा चित्त शांत हो। तो नंदिनी कहने लगी, वत्स आज मैं घोर वन में अपनी इच्छा के अनुसार घूमती चली गई थी। वहाँ एक व्याघ्र ने मुझे घेर लिया, वे मुझे खा लेना चाहता था, किंतु मैंने शपथ के द्वारा उसे ये विश्वास दिलाया कि मैं गौओं के झुंड में अपने बच्चे को देखकर फिर लौट आऊंगी। अनेक शपथ करने पर उसने मुझे छोड़ा है, अतः अब फिर मैं वहीं जाऊंगी। बछड़े ने कहा, माँ आज तुम जहां जाओगी वहीं मैं भी जाऊंगा। यदि तुम्हारे साथ व्याघ्र मुझे भी मार डालेगा तो मातृभक्त पुरुषों की जो गति होती है वही निश्चय पूर्वक मुझे भी मिलेगी। बालकों के लिए माता के समान दूसरा कोई बंधु नहीं है, माता के समान कोई रक्षक नहीं है, और माता के समान दूसरी कोई गति नहीं है। माता के समान कोई पूज्य नहीं है, माता के समान कोई गुरु नहीं है, माता के समान स्नेही सखा नहीं है, और माता के समान इस लोक या परलोक में कोई देवता नहीं है। ऐसा मानकर श्रेष्ठ पुरुषों को सदा अपनी माता के प्रति भक्ति रखनी चाहिए। जो पुत्र मात्र भक्ति को ही प्रजापति निर्मित परम भक्ति मानकर सदा उसका आचरण करते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः तुम इस गोकुल में रहो, मैं ही व्याघ्र के समीप जाऊंगा और मैं अपने प्राण देकर तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा। नंदिनी ने कहा, बेटा आज के दिन मेरी ही मृत्यु नियत है, तुम्हारी नहीं। फिर तुम अपने प्राणों से मेरे प्राणों की रक्षा कैसे कर सकते हो। वास तुम्हें तो अपनी माँ के उपदेश का ही पालन करना चाहिए। वन में भ्रमण करते समय कभी तुम प्रमाद ना कर बैठना। अधिक लोभ होने में इस लोक और परलोक में भी देहधारी का नाश हो जाता है। लोभ से मोहित पुरुष समुद्र में, घोर जंगल में और भयानक रणभूमि में प्रवेश कर जाता है।
लोभ प्रमाद और सब पर विश्वास, इन्हीं तीन दोषों से प्रत्येक प्राणी बंधता और मारा जाता है। इसलिए लोभ ना करें, प्रमाद में नहीं पड़ें तथा हर एक पर विश्वास नहीं करें। पुत्र, तुम्हें सदा प्रयत्न करके गहन वन में भ्रमण करते समय संपूर्ण हिंसक जीवों से अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। दुर्गम स्थान में यदि तृण और घास आदि हों तो किसी प्रकार भी उसे चरना नहीं चाहिए। अपना दूध छोड़कर, अपना यूथ छोड़कर कभी अकेले नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार अपने बछड़े से कहकर और उसे बार बार चाटकर नंदिनी ने अपनी सखियों के पास वन में जाकर कहा, बहनों मेरी बात सुनो, आज मैं अपने झुंड से थोड़ी दूर पर घूमती हुई एक घने एवं निर्जन वन में चली गई। वहां मुझे एक व्याघ्र ने पकड़ लिया, परंतु अनेक प्रकार की शब्दों द्वारा उसे विश्वास दिलाकर मैं तुम लोगों से मिलने और बच्चे को देखने के लिए यहां आई हूं। इसमें बच्चे को देखा, बातचीत की और उसे कर्तव्य का उपदेश भी दिया। अब इसे तुम्हारे अधीन सौंपती हूं, इसको अपना ही समझना। ऐसा जानकर, जानकर या अनजान में मैंने तुम लोगों का जो कुछ भी अपराध किया हो वे सब कृपा पूर्वक क्षमा करना। मेरा ये दूध पीता बच्चा आज से अनाथ हो रहा है। इस दीन दुखी दुर्बल और मात्र शोक से संतप्त बालक का तुम सब लोग मिलकर पालन करना। यदि ये विषम स्थान में घूमता हो, दूसरे किसी झुंड में जाता हो या ना करने योग्य कार्यों में संलग्न होता हो तो तुम सदा इसे रोकती रहना। अब मैं जहां ये व्याघ्र मेरी प्रतीक्षा में खड़ा है वहां जाऊंगी। दूसरी गवें बोली, नंदिनी तुम किसी प्रकार भी वहां ना जाओ, हंसी में या स्त्रियों के बीच में, विवाह काल में, प्राण संकट के समय तथा सर्वस्व का अपहरण होते समय। इन पांच समयों में कही हुई असत्य बातें पाप नहीं मानी गई हैं, इसलिए तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। नंदिनी ने कहा, सखियो दूसरों के प्राण बचाने के लिए वैसा असत्य ठीक हो सकता है, परंतु अपने प्राणों की रक्षा के लिए साधु पुरुष असत्य भाषण की प्रशंसा नहीं करते। ये संपूर्ण लोक सत्य पर प्रतिष्ठित है, धर्म भी सत्य के ही आधार पर स्थित है। समुद्र सत्य वचन से ही कभी अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता। दैत्यराज बलि भगवान विष्णु को भूमि दान करके स्वयं पाताल में चले गए हैं। अपने उस सत्य वचन पर स्थित होने के कारण ही वे पुनः वहां से बाहर नहीं निकलते। जो किसी बात की प्रतिष्ठा करके, किसी भी बात की प्रतिज्ञा करके उसका ठीक ठीक पालन नहीं करता, उस चोर और अपवित्र बुद्धि वाले पुरुष ने कौन सा पाप नहीं किया है। सखियों ने कहा, नंदिनी तुम समस्त देवताओं और दैत्यों के लिए भी वंदनीय हो, जो कि सत्य के रक्षा के लिए दुस्त्यज प्राणों का त्याग कर रही हो। कल्याणी तुम तो स्वयं ही धर्मार्थ वचन बोलने वाली हो, समस्त सद्गुणों से संपन्न हो, सदा सत्य में स्थित रहती हो, हम लोग तुम्हें क्या शिक्षा देंगे। महाभागे जाओ, बच्चे के लिए शोक मत करो, तुमने हमारे लिए जो आज्ञा दी है उसका हम सब पालन करेंगे। परंतु हम इस बात को जानती हैं कि सदा सत्य में स्थित रहने वाले प्राणियों का आरंभ किया हुआ कोई भी कार्य निष्फल नहीं होता। तस्सो जी कहते हैं, महर्षियों, नंदिनी अपनी सखियों से इस प्रकार बातचीत करके उस व्याघ्र के पास चल दी और जहां वे व्याघ्र खड़ा था वहां जा पहुंची। वहां पहुंचकर नंदिनी बोली, महाव्याघ्र मैं अपने सत्य और शपथ पर स्थित रहकर तुम्हारे पास आ गई हूं।
अब तो मेरे मास से यथेष्ट तृप्ति लाभ करो। सत्य का आश्रय लेकर प्राणों का भय छोड़कर पुनः अपने पास आई हुई नंदिनी को देखकर वह दुष्ट आत्मा व्याघ्र भी बड़े भारी वैराग्य को प्राप्त हो गया। व्याघ्र बोला, सत्यवादिनी, तुम्हारा स्वागत है। सत्य पर स्थित रहने वाले प्राणियों का कभी अमंगल नहीं होता। भद्रे, तुमने शब्द खाकर कहा था मैं आऊंगी, इससे मेरे मन में ये कौतूहल हो रहा था क्या ये सचमुच ऐसा करेगी, परंतु तुमने अपने सत्य की रक्षा की। महाभागे, मुझ दुरात्मा पापी को उपदेश देकर अनुग्रहित करो जिससे इस लोक और परलोक में मेरा कल्याण हो। मेरा ऐसा विश्वास है कि तुम्हें अपने सत्य आचरण के प्रभाव से कुछ भी अज्ञात नहीं है। अतः संक्षेप से धर्म का सार सर्वस्व मुझे बताओ जिससे मुझे सत्संग का पूरा पूरा फल प्राप्त हो। तो नंदिनी कहने लगी, सतयुग में तप की, त्रेता में ध्यान की, द्वापर में यज्ञ की और दान की, तथा कलयुग में एकमात्र दान की प्रशंसा करते हैं। जो संपूर्ण चराचर प्राणियों को अभेदान देते हैं उनका वह दान सब दानों में श्रेष्ठ है, उससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। व्याघ्र बोला, शुभे, वह अभेदान तो उन प्राणियों के लिए उपयुक्त हो सकता है जिनकी जीविका अहिंसा से अन्न आदि का आहार करके चलती है। हम जैसे जीवों का जीवन निर्वाह तो हिंसा के बिना हो ही नहीं सकता। अतः जीवों की हिंसा करने वाले मुझ अधम के लिए भी जो सुखदायक और उत्तम धर्म आचरण में सहायक हो वैसा उपदेश दो। तो नंदिनी ने कहा, वहां वन में एक महान शिवलिंग है जिसे पूर्व काल में बाणासुर ने स्थापित किया था, उसी के प्रभाव से आज मैं तुम्हारे संकट से मुक्त हुई हूं। तुम प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर उसी की परिक्रमा और उसी का प्रणाम किया करो, इससे तुम्हें मनोवांछित सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसे कहकर नंदिनी ने व्याघ्र को मन के भीतर ले जाकर उस शिवलिंग का दर्शन कराया। वह उसका दर्शन करके तत्काल ही व्याघ्र की योनि से मुक्त होकर पूर्वत राजा कलश के रूप में परिणित हो गया। पूर्व काल में दुर्वासा के दिए हुए शाप का और अपने वैभव संपन्न राज्य का उन्हें स्मरण हो आया। तब उन श्रेष्ठ राजा ने नंदिनी से कहा, भद्रे, मैं हे वंश में उत्पन्न कलश नामक राजा हूं। पूर्व काल में मुनिवर दुर्वासा ने कुछ कारणवश मुझे शाप दे दिया, अब पुनः मैंने उन्हें प्रसन्न किया। तब वे बोले, नंदिनी धेनु, जब तुम्हें वन में शिवलिंग का दर्शन कराएगी तब तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, निश्चय तुम नंदिनी हो। ये बात मुझे अपने शाप का अंत देखकर ज्ञात हुई है। श्रेष्ठ धेनु, ये तो बताओ, ये कौन सा देश है जिससे मैं अपने घर का मार्ग ढूंढकर पुनः वहां जाऊं। तो नंदिनी कहने लगी, राजन, ये सब पापों का नाश करने वाला चमत्कारपुर नामक क्षेत्र है जो सर्व तीर्थ में है और संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। राजा ने कहा, नंदिनी, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम जाओ और अपने बालक से मिलो, गौओं के झुंड में जाकर अपनी सखियों तथा सरदों का दर्शन करो। मैंने पूर्व काल में ब्राह्मणों के मुख से इस क्षेत्र की महिमा सुनी थी और इसे सदा देखने की अभिलाषा भी की, परंतु राजकाज अथवा भोग में आसक्त होने के कारण मैं इसका दर्शन नहीं कर सका। आज जब ये तीर्थ स्वयं ही मुझे प्राप्त हो गया है तो अब मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। सौभाग्य की बात है जो महात्मा दुर्वासा ने मुझे जैसा वैसा शाप दिया, अन्यथा इस उत्तम क्षेत्र की प्राप्ति मुझे कैसे होती। ऐसा कहकर राजा ने नंदिनी को विदा किया और स्वयं दिन रात उस शिवलिंग का ध्यान करते हुए वहीं रहने लगी। उन्होंने भगवान शिव के लिए कैलाश शिखर के समान गगनचुंबी मंदिर बनवाया और उन्हीं के आगे बैठकर बड़ी भारी तपस्या की।
तंत्र शंकर जी के प्रभाव से थोड़े ही दिनों में परम दुर्लभ सिद्धि प्राप्त कर ली, जो याज्ञिक जनों के लिए भी दुर्लभ है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मां भक्ति पूर्वक गीत और नृत्य आदि का आयोजन करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। द्विजवरो, इस प्रकार मैंने तुम्हें कलेश्वर जी के महात्म्य का वर्णन सुनाया, सब पातकों का जो नाश करने वाला है। स्कंद पुराण के नागर खंड में अगस्त कुंड, कपिला नदी, वैष्णी शिला, सिद्ध क्षेत्र आदि की महिमा, नल द्वारा चरम मुंडा की स्तुति तथा नलेश्वर की महिमा, सूची बोले महर्षियों उसी के समीप पूर्व भाग में अगस्त कुंड है, जहां परम पुण्यदायिनी और सब पातकों का नाश करने वाली बावली है। जो मनुष्य वहां फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास पूर्वक स्नान करता है, उसे अपनी इच्छा के अनुकूल वस्तु की प्राप्ति होती है। अगस्तवापी के दक्षिण भाग में कपिला नदी है, जहां कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र की सिद्धि प्राप्त की थी। कपिला के पूर्व भाग में सिद्ध क्षेत्र बताया गया है, जहां पूर्व काल में लाखों मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य जिस कामना को लेकर वहां तपस्या करता है, वह 6 महीने के भीतर अवश्य उसे प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मणों, सिद्ध क्षेत्र के निम्न भाग में एक शुभ कारक वैष्णी शिला है, जो घूमती रहती है। उसकी आकृति चकोर है और वह सब पातकों का नाश करने वाली है। वे मां नदी के जल से धुली हुई और मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है। उस शिला के आगे गंगा, जमुना, सरस्वती, संगम रूप त्रिवेणी बहती है, जो भोग और मोक्ष देने वाली है। उसके उत्तर भाग में रुद्रकोटि तीर्थ हैं, जो दक्षिणात्य महात्माओं द्वारा पूजित हैं। उसे रुद्रावर्त भी कहते हैं। जो पुरुष रुद्रावर्त क्षेत्र में श्राद्ध करता है, वह 100 यज्ञों का फल पाता है। जो वहां उपवास पूर्वक रात्रि में जागरण करता है, वह इच्छा अनुसार चलने वाले विमान के द्वारा स्वर्ग में जाता है। वहीं पूर्व काल में महात्मा राजा नल ने चरम मुंडा देवी की स्थापना की थी। जो मनुष्य महानवमी के दिन भक्ति पूर्वक चरम मुंडा देवी का पूजन करता है, वह मनवांछित पदार्थों को प्राप्त करके सनातन पद पा लेता है। पहले की बात है, वीरसेन के पुत्र नल इस भूमंडल के राजा थे, जो समस्त सद्गुणों से युक्त थे। विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती उनकी पतिव्रता पत्नी थी। एक समय राजा नल ने कलयुग से आविष्ट होकर अपने भाई पुष्कर के साथ जुआ खेला, उसमें वे अपना सारा राज्य हार गए। तंत्र नल अपनी स्त्री को साथ लेकर गहन वन के भीतर चले गए। वहां उन्हें ये सोचा, यदि दमयंती राजा भीम के घर चली जाए तो वनवास के कष्ट से मुक्ति हो सकती है, इसलिए रात में इसको सोती छोड़कर मैं दूर चला जाऊंगा, जिससे ये साधी दमयंती मुझसे विलग होकर कुंडनपुर को चली जाएगी। ऐसा निश्चय करके राजा नल सुख से सोई हुई दमयंती को छोड़कर घोर वन में चलेगी। प्रातःकाल उठकर दमयंती जब इधर उधर देखने लगी, तो उसने अपने पास नल को नहीं पाया। तब वह दुख से आतुर होकर वन में करुण सर से विलाप करने लगी और धीरे धीरे कुंडनपुर की राह लेकर अपने पिता के राजमहल में जा पहुंची। नल भी उस वन को छोड़कर दूसरे बड़े भारी वन में चले गए और घूमते घूमते हाटकेश्वर क्षेत्र में जा पहुंची। इसी बीच में महानवमी का दिन आ गया। तंत्र नल ने वहां चरम मुंड धारणी दुर्गा की मृण्मयी मूर्ति बनाकर उसका पूजन किया और फल मूलों का भोग लगाकर देवी को तृप्त किया। तत्पश्चात वे देवी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और वहां बड़ी श्रद्धा के साथ स्तुति करने लगे। नल बोले, चरम मुंड धारण करने वाली श्रेष्ठ देवी, तुम सर्वत्र व्यापक हो, तुम्हारी जय हो। सर्वेश्वर तथा संपूर्ण राजाओं के द्वारा वंदित दक्ष कुमारी, तुम प्रत्येक कार्य में इस
दक्ष हो, शुभे तुम्हारी जय हो। काल रात्रि अचिंते नवमी और अष्टमी को प्रिय मानने वाली देवी तुम्हारी जय हो। त्रिलोचने त्रिलोचन प्रिय देव पूजिते देवी तुम्हारी जय हो। भयंकर रूप धारण करने वाली तथा सुंदर रूप वाली महाविद्ये महाबले तुम्हारी जय हो। महोदय महाकाय महाव्रते देवी तुम्हारी जय हो। नित्य रूपे जगदात्री तुम्हारी जय हो। विक्राली महाकाली के तुम्हारी जय हो। सुंदरी देवेश्वरी पाश हस्ते महाहस्ते तुम्हें नमस्कार है। मनोहर देहलता से युक्त तथा प्रिय गीत वाद्य से संप्रसन्न होने वाली देवी तुम्हारी जय हो। अनंता चिंतनीया तथा भगवान शिव के आदि शरीर में निवास करने वाली देवी तुम्हारी जय हो। तुम्ही रति तुम्ही धृति तुम्ही तुष्टि तुम्ही गौरी तथा तुम्ही देवताओं की स्वामिनी शची हो। तुम्ही लक्ष्मी सावित्री और गायत्री हो। देवी तीनों लोकों में स्त्री रूप में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब तुम्हारे ही अंश से प्रकट हुआ है, इस विषय में मुझे कोई संदेह नहीं है। इस सत्य के प्रभाव से तुम इस मूर्ति में निवास करो। देव दानव विंदते इस भक्ति से संतुष्ट होकर तुम अपना सान्निध्य यहां स्थापित करो। सूर्य कहते हैं राजा नल के इस प्रकार स्तुति करने पर भक्त वत्सला चतुर्भुजा देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और इस प्रकार कहा, वत्स मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से संतुष्ट हूं, अतः तुम मुझसे मनवांछित वर मांगो। राजा नल बोले, देवी मैंने प्राणों से भी अधिक प्रिय अपनी पत्नी दमयंती को हिंसक जंतुओं से भरे निर्जन वन में त्याग दिया था। वे आपकी कृपा से अखंड शील से युक्त और निर्दोष रूप में मुझे फिर प्राप्त हो, ऐसा यत्न कीजिए। जो आपके आगे स्तोत्र द्वारा स्तुति करे उसे उसी दिन आप मनवांछित वस्तु प्रदान करें। सूर्य कहते हैं तब दुर्गा देवी तथा अस्तु कहकर अंतर ध्यान होगी तथा राजाओं में श्रेष्ठ नल को उन सभी कामनाओं को प्राप्त कर लिया। चरममुंडा के समीप ही राजा नल के द्वारा स्थापित देवादि देव महेश्वर विराजमान हैं, जिनका दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को जो मानव भक्तिपूर्वक नलेश्वर का दर्शन करता है वह सब रोगों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाता है। उन्हें भगवान शिव के आगे एक निर्मल जल से भरा हुआ कुंड है, जो रविवार के प्रातःकाल उस कुंड में स्नान करता है वह कुष्ठ रोग से छूटकर पुनः नूतन शरीर धारण कर लेता है।